इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उमंग एप्लीकेशन पर। हम जो है अपनी SMS की और MMS की सर्विसेज को जो परमिशंस में मिलती है हमें, उसको कैसे हम पन चालू कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो बंद चालू करना दोनों प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो आपका बंद हो जाता है तो आप चालू कैसे कर सकते हैं इजीली आपको पता चल जाएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर नीचे जाना होगा आपको ऐप्स में, तो ऐप्स को खोल लेना होगा। यहाँ पर हम रेडमी का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, अगर रेडमी का आपके पास फ़ोन है तो आप ईजी ये प्रोसेस बहुत आराम से कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको परमिशंस पर जाना है, चौथे नंबर पर, तो इसे खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको अदर परमिशंस पर जाना है फिर, तो इसे भी खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स परमिशंस दिखाई देती है, लेकिन साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आपको परमिशंस दिखाई दी जाती है सबसे ऊपर SMS की और MMS की, तो इसे खोल लेना है। और खोलने के बाद यहाँ पर आपको सर्विस SMS की दिख जाती है, तो इसको भी खोल लेना है। और यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको उमंग एप्लीकेशन मिल जाती है, तो जैसे आप इस पर टिक करते हैं, टिक करने के बाद इसे डिने करते हैं तो यहाँ पर ये बंद हो जाता है। और जैसे ही आप इसको दोबारा टिक करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पर चालू हो जाता है। तो ये है इसको बंद या चालू करने का प्रोसेस। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।